नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, तमारो हार्दिक स्वागत छे एज्युकेशन इन गुजराती चैनल पर। आजनो आपणो टॉपिक छे धोरण 6 विषय हिंदी, तेमा आपणे जोईए चेप्टर नंबर पहेलू। तेमनुं नाम छे दयालु शिकारी। सारांश जोईए कि इस चित्रपाठ में हिरण का शिकार करने के लिए शिकारी जंगल में जाता है। शिकारी ने शिकार के लिए गोली चलाई। शिकारी की गोली हिरनी के पाँव में लगी। जिस हिरनी को गोली लगी उसने अभी अभी छोटे शावक को जन्म दिया था। शिकारी घायल हिरनी के पास आता है तो हिरनी की आंखों में आंसू देखता है और छटपटाता हुआ छोटा बच्चा भी नजर आता है। यह दृश्य देखकर शिकारी का दिल पसीज जाता है और वह पछताने लगता है। वह हिरनी और उसके छोटे बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाता है और हिरनी का उपचार करवाकर दोनों को अस्पताल से जंगल में उनके निवास पर छोड़ जाता है। प्रस्तुति इकाई में पशुओं के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए यह बात बतलाई गई है। संसार में छोटे बड़े सभी को स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार है। पशु पक्षी के प्रति सद्भाव रखना हमारा फर्ज है। मुसीबत के समय में उनसे मुंह न मोड़कर उनके प्रति आवश्यक हमदर्दी जतानी चाहिए, जैसी शिकारी ने जताई। प्रश्न पहला है, सही विकल्प चुनकर सही का निशान कीजिए। प्रश्न पहला है, शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया? उत्तर है अस्पताल। दूसरा प्रश्न है, दयालु शिकारी चित्र कहानी में इनमें से कौन नहीं है? शेर। प्रश्न तीसरा है, इनमें से कौन सा प्राणी जंगली नहीं है? गाय। चौथा है, शिकारी की गोली हिरनी को कहाँ लगी? टांग पर। दयालु शिकारी चित्रवार्ता किस मूल्य पर आधारित है? पशु प्रेम पर। छठा है, दिल पसीज जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दया आना। सातवा है, शिकारी को पछतावा क्यों होता है? हिरनी की आंखों में आंसू देखे थे। प्रश्न नंबर 8, दयालु शिकारी कहानी से क्या सीख मिलती है? पशु पक्षी के प्रति सद्भाव रखना हमारा फर्ज है। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित वाक्यों को कहानी के घटनाक्रम में लिखिए। पहला वाक्य है, एक बहुत घना जंगल था। हिरनी जंगल में टहल रही थी। शिकारी ने हिरनी पर गोली चलाई। शिकारी हिरनी को अस्पताल ले गया। और पांचवा है, शिकारी हिरनी को जंगल में छोड़ आया। प्रश्न तीसरा है, और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है, हिरनी जंगल में क्या क्या खाती होगी? हिरनी जंगल में घास और पेड़ पौधे को के पत्ते खाती होंगे। प्रश्न दूसरा है, हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने क्या किया? हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने देखा कि उसकी टांग में गोली लगी है और उसने एक शावक को जन्म दिया है। प्रश्न नंबर तीसरा है, शिकारी हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता था? शिकारी मांस के लिए हिरनी का शिकार करना चाहता था। प्रश्न चौथा है, शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया? शिकारी हिरनी को अस्पताल ले गया। ब, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न पहला है, शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया? शिकारी ने हिरनी के साथ दयापूर्ण व्यवहार किया क्योंकि उसकी दशा देखकर शिकारी को दुख हुआ था। प्रश्न दूसरा है, आपने किन किन प्राणियों को देखा है? मैंने इन प्राणियों को देखा है, गाय, बैल, भैंस, बकरी, घोड़ा, हाथी, कुत्ता, बंदर, बिल्ली, ऊंट और गधा। प्रश्न तीसरा है, पशु पक्षी के प्रति हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? पशु पक्षी के प्रति हमें सद्भाव रखना चाहिए और उसको परेशान भी नहीं करना चाहिए। प्रश्न चौथा है, जंगल में कौन कौन से प्राणी रहते थे? जंगल में शेर, बाघ, हाथी, हिरण, भालू, लोमड़ी, सियार, खरगोश, बंदर आदि जानवर देखने को मिलते हैं। प्रश्न चौथा है, दयालु शिकारी
कहानी अपने शब्द में लिखी। उसमें हम देखते हैं एक शिकारी था। एक दिन उसे हिरण का मांस खाने की इच्छा हुई। वह बंदूक लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में शिकारी ने एक मोटी ताजी हिरनी देखी। वह दूर से दौड़ते हुए उसकी तरफ आ ही रही थी। शिकारी एक पेड़ के पीछे छिप गया और हिरनी की ओर निशाना साधा। दौड़ती हुई हिरनी निशाने के सीध में आते ही शिकारी ने गोली छोड़ी। गोली की आवाज़ सुनकर जंगल के दूसरे हिरण इधर उधर भागने लगे। शिकारी हिरनी के पास गया। उसने देखा कि हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया है। शिकारी की गोली हिरनी की टांग में लगी थी। हिरनी की आंखों से आंसू बह रहे थे। यह दृश्य देखकर शिकारी का दिल भर आया। उसे बहुत पछतावा हुआ। जंगल से कुछ दूरी पर ही पशुओं के इलाज के लिए एक अस्पताल था। शिकारी हिरनी और उसके बच्चे को वहाँ ले गया। डॉक्टर ने हिरनी की टांग में लगी गोली निकाल दी और घाव पर मरहम लगा दिया। इलाज से हिरनी को आराम मिला। शिकारी हिरनी को बच्चे के साथ जंगल में छोड़ आया। प्रश्न नंबर 5 है, वर्णों को कोई भी मात्रा लगाकर महत्तम अर्थपूर्ण शब्द बनाइए। उदाहरण, प से पतंग, पानी, पीला, पुत्र। र से रक्त, रक्षक, रक्षण अने रक्षा। स से सकल, सफलता, सकर्मक अने सकारात्मक। ग से गगन, गगनमंडल, गज, गजब। ज से जकड़, जख्म, जग अने जगत। ल से लोटा, ललकारना, लूटना, लंबा। प्रश्न 6 है, चित्र देखकर कहानी लिखिए। उसमें हम देखते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और 6 चित्र। अब हम देखते हैं वार्ता, कौवा और लोमड़ी। एक बार एक कौवे को एक रोटी मिली। वह रोटी लेकर उठता हुआ एक पेड़ की डाल पर जा बैठा। इतने में एक लोमड़ी पेड़ के नीचे आई। उसकी नज़र कौवे की रोटी पर पड़ी। उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, कौवे को मूर्ख बनाकर मैं उससे रोटी ले लूँ। लोमड़ी ने कौवे से कहा, कौवा भैया, कौवा भैया, कोई गाना सुनाइए ना। आपका गाना मुझे बहुत मीठा लगता है। कौवा लोमड़ी की चालाकी समझ गया। उसे लगा कि लोमड़ी रोटी पाने के लिए यह नाटक कर रही है। कौवे ने अपनी चोंच की रोटी अपने पंजे से पकड़ ली और वह जोर जोर से काँव काँव करने लगा। यह देखकर लोमड़ी आश्चर्यचकित रह गई। अरे, यह कौवा तो समझदार लगता है, इसे वह मन ही मन बोली और चलती बनी। फिर कौवे ने पंजे से रोटी मजे से रोटी खा ली। सचमुच अपनी झूठी बड़ाई सुनकर हमें गुमराह नहीं होना चाहिए। प्रश्न नंबर 7 है, विभाग अ में दिए गए शब्दों के विरुद्धार्थ शब्द विभाग बस में से ढूंढकर सही जोड़ बनाकर लिखिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। अ और ब, उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं दयालु यानी निर्दय। दयालु मनोज ने आहत चिड़िया को बचाई और शिकारी निर्दय होता है। पहला है स्वस्थ और उसका विरोधी शब्द है अस्वस्थ। आज मैं स्वस्थ हूँ, कल मैं अस्वस्थ था। दूसरा है खुश, नाखुश। वह हमेशा खुश रहता है, मैंने उसे कभी नाखुश नहीं देखा। तीसरा है जन्म, मरण। रोज कई बच्चों का जन्म होता है और रोज कई लोगों का मरण होता है। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित वाक्य में से संज्ञा शब्द को रेखांकित वाक्य फिर से लिखिए। महेश हर रोज मंदिर जाता है। महेश हर रोज मंदिर जाता है। मैं अंबाजी गया था, गुलाब का फूल मुझे पसंद है। हिमालय की चढ़ाई बहुत कठिन थी, आज बिल्ली सारा दूध पी गई। प्रश्न 9 है, नीचे दी गई बातों ने
कछुआ और प्यासा कौवा चित्रा कहानियों में से कोई एक कहानी लिखिए। बातुनी कछुआ। एक तालाब था, उसमें एक कछुआ रहता था। वह बहुत बातुनी था। वहीं दो हंस भी रहते थे। वे उसके अच्छे मित्र बन गए थे। एक साल वहाँ बहुत बरसात बहुत कम हुई। तालाब का पानी सूखने लगा। हंसों ने कछुओं के साथ दूसरे तालाब पर जाने का निश्चय किया। वे एक लकड़ी ले आए और उसका एक एक सिरा अपने अपनी चोंच में पकड़ लिया। बीच का भाग कछुए ने अपने मुंह में पकड़ लिया। हंसों ने कछुए से कहा, भाई तुम रास्ते में बोलना मत, बोलोगे तो लकड़े मुंह से छूट जाएंगी और तुम नीचे गिर पड़ोगे। दोनों हंस कछुए को लेकर उड़ने लगे। रास्ते में एक गांव आया। गांव के लोग इस प्रकार कछुए को लेकर उड़ते हुए हंसों को देखने के लिए जमा हो गए। लोगों को देखकर कछुए से चुप न रह गया। उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला। उसी समय लकड़ी उसके मुंह से छूट गई और वह जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। प्रश्न 10वां है, शिकारी की जगह आप होते तो क्या करते? लिखिए, यदि शिकारी की जगह मैं होता तो मैं भी हिरन के साथ वैसा ही व्यवहार करता जैसा शिकारी ने किया। घायल हिरनी और उसके नवजात शावक को देखकर मेरा दिल भर आता। मैं तुरंत दौड़कर रिक्शा या किसी दूसरे वाहन को ले आता। तब मैं दौड़कर सिटी अस्पताल पहुंचाता और हिरनी की हालत बताकर उनसे एम्बुलेंस भेजने का अनुरोध करता। किसी तरह हिरनी का इलाज तो करवाना ही था। उसके बचने पर ही उसके बच्चे के जीवित रहने की आशा की जा सकती थी।